श्री कृष्णा दोस्तों, वीडियो देखने से पहले श्री अमन बाबा जी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों में शेयर करें ताकि बाबा जी के 100% रियल स्टोरीज अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। आपके परिवार को किसी ने परेशान किया? उर्मिला मिश्रा है? उर्मिला मिश्रा, उर्मिला मिश्रा, वो क्या लगती है आपकी? मेरी बुआ लगती है। तेरी बुआ लगती है? तू कितने साल पहले मर गई थी? 20 साल। 20 साल पहले। तो बेटा आप तो क्या चाहिए हमसे, बोलो। आपसे पूजा पाठ करा कर आपको शक्ति दिला देते हैं, क्यों इनको परेशान, इसके शरीर में क्यों परेशान करते हो? ये मेरे को जगह ही नहीं दे रहा है। जगह नहीं दे रहे? सुनैना देवी को हमने जगह दिया ना। जानते हो सुनैना देवी के बारे? सुनैना देवी के बारे में जानना, उसको भी हमने जगह दिलाया था। कैसे मरे थे आप? कैसे मरे थे? कुएं में गिरा थे। कुएं में गिरकर? कितने साल की आयु में थे आप? 3 साल। 3 साल की। आपके माता पिता का क्या नाम है? त्रिपुरारी तिवारी। नाम है? हैं? त्रिपुरारी तिवारी नाम है। मैं अपने भाई को भी परेशान कर, भाई को भी परेशान करती है। हाँ। तेरे पर कोई छोड़ा है या अपने बढ़ करी है? नहीं, मुझे सोई थी। कौन छोड़ा था? सोई थी तो जगा के भेजी। हेलो, सोई थी, किसने जगाया आपको? राधे श्याम मिश्रा नाम है। राधे श्याम मिश्रा, वो कौन है? गांव के हैं? गांव के। गांव के है? हाँ। इस बच्चे को आप कैसे पकड़े? बेटा आप हमसे कुछ बोलना चाहते हो, खुलकर बोलिए। 20 साल में कभी बोले हो आप? नहीं, नहीं बोले। अभी बोलना चाह रहे थे आप? गुस्सा है, मैं बोलूंगा नहीं, मैं मारूंगा सबको। अरे बेबी, गुस्सा हम आपका शांत करते हैं। हमारे से कोई गुस्सा है आपका? बोलो, हमने आपको कोई कष्ट पहुंचाया? क्या कष्ट पहुंचाया आपने? बार बार बुलाते हो आप यहाँ पे? बार बार बुलाते हैं। इनके परिवार का रक्षा करना हमारा धर्म है और आपकी रक्षा करना भी हमारा धर्म है। आपका गुस्सा किस पर है? सब पे। सब पे? हाँ, सब पे। जो हमारे सगे चाचा हैं, जो हमारे पिताजी हैं, हमारे पर भी गुस्सा है। सब पे गुस्सा है। आप मेरे को यहाँ से हटाना चाहते हो? मैं जाऊंगी नहीं यहाँ से। मैं आपको हटाना नहीं चाहता, आपके भले के लिए दुआ करेंगे। आपका भी भला हो, इसका भी भला हो। आप मुक्ति चाहते हो? मार के? मारना नहीं है, मारना ऊपर वाले का काम है। तो मुझे बताया क्यों नहीं किसी ने? तो जब तू 3 साल की थी तो मेरे पास आती तो मैं बचाता ना। मेरे पास तो भाई है तू, तेरा माँ बाप नहीं बचाया तेरे, तो हम थे उसमें क्या करें? ये भाई लोगों का क्या कसूर था? जे उस टाइम थे वहां पर जिनको मार रही है तू? अभी उम्र कितनी है तेरी? 20 साल। हम प्यार से समझा रहे हैं, सुधर जाइए, आपके लिए दुआ पहोड़ी पाठ पूजा होगा, आपका गति कराया जाएगा। आपको क्या चाहिए? नया शरीर चाहिए? गति करना चाहते हो या शरीर बढ़ना चाहते हो? बोलो। मुझे मारने के लिए भेजा है। जिसने भेजा उसको ही अभी बुरी हालत हो जाएगी। जिसने भेजा उसके लिए आप चाय पीजिए ना। आपको तुमके मिले के जल भी पिलाते हैं, जल पियो ना तुमके मिले के, आपकी आत्मा को शांति मिलेगी। ठीक है, अभी हम आपको जल पिलाते हैं कुंभ के मेले का, आप पीजिए। ठीक है, भगवान आपका ही बुलाते रहें, इनका बुलाते रहें। ओम ब्रह्म सुनो, हार लो, जल पीजिए। इलाहाबाद कुंभ के मेले का जल है, आपका भला होगा। बेटा क्या नाम था तेरा मरने से में? मुल्लर है? मुल्लर। मुल्लर नाम था तेरा, तो जल पीजिए। ये इलाहाबाद कुंभ मेले का जल है, इससे आपकी आत्मा को शांति मिलेगी। पीजिए बेटा, पीजिए, हाथ कीजिए, आप हाथ कीजिए। क्यों जल नहीं पीना चाहते? और तू 20 साल से कहाँ कहाँ जा रही है? 20 साल से कहाँ कहाँ जा रही है? कुएं में सोई थी। कुएं में सोई थी, तेरे को जगाया किसने? राधे श्याम मिश्रा। आप तो चाय पिलाते हैं, चाय पीनी है बेटा? नहीं। बिस्कुट तो खाओगे, बच्चे हो आप, बिस्कुट खिलाते हैं आपको। ये लो बिस्कुट खाओ, आप चॉकलेट मिलाए, खाओ खाओ आप। जा बेटा चॉकलेट लेकर आ फटाफट, बढ़िया चोटड़ा लेकर आओ। अरे हमारी दोस्ती स्वीकार कर,
क्यों तंग करते हो किसी को, तेरा भला हो जाएगा, भला हो जाएगा तेरा। तो कितनी सुंदर लगती है अभी, जवान होगी तो बड़ी होगी, ठीक है ना। और कुछ खाना है आप बताइए, चोटलेट आ रही है, कुछ और खाना, 20 साल बाद तू खाने लगी है तो खाओ दो पेट भर कर, क्या खाना है बोलो, हम आपके लिए मंगाते हैं, क्या खाने की इच्छा है। हाँ जी बैठ जाओ, तुम इतने बैठ जाओ, नीचे आराम ना बैठे, हाँ जी इतने बैठ जाओ, हाँ जी क्या खाना है आपने बोलो, क्या मंगाया जाए, चोटलेट तो अभी आ रही है और क्या खाओगे, है दूध पियोगे, ठीक है दूध मुझाते हैं अभी, बेटा इधर आओ बात कर जाओ, फटाफट आधा लीटर दूध लेकर आओ, नहीं इन्होंने वो नहीं पहना, नया दूध मुझाओ, जे दे दूध का आधा किलो का पैकेट लेकर आओ, बात कर जाओ, और उसको बोलना लड़की को कोई अंदर ना आए, जो मर्जी आए बाहर बैठाना, और बोलो दूध पीना है, पानी पीना है, हाँ। अब इलाहाबाद तुम के मिलने का जल पीजिए, नहीं वो नहीं पीना, चलो ना पियो, क्या देख रहे हो सर, क्या देख रहे हो, किस बात का डर है आपको, और भी मेरे साथ लोग थे, पता नहीं कहाँ है अभी, थे यहाँ पे सभी लोग, कितने आदमी है तेरे साथ, छह आदमी आए हो आप, क्या क्या नाम है उनका, नाम नहीं पता नहीं। आपके साथ कैसे आए, जिसने मुझे जगाया उन्होंने बोला साथ में जाओ अपने घर पे, ले जाके बाहर अंदर नहीं होना, जिन्होंने जगाया उनके बजे, नाम नहीं जानती, बंदा है जनानी है कौन है, दो जनानी है, दो जनानी है, कितने बड़ी बड़ी है, बड़ी है वो 50-55 की होंगी, 50 साल, कितने साल से मरे हुए वो, लगभग 50 साल के हैं मरे हुए वो लोग, 50 साल से मरे हुए हैं, उनके नाम नाम पता है आपको, मैं मुझे नहीं बताया किसी ने नाम, मैं पूछी थी कोई नहीं बताया। इन परिवार को क्यों तंग करती हो, तो मेरे जो मेरे पापा का जो जमीन है, मेरे बाबा का जो जमीन है, ये लोग आधा ले लिए हैं उसमें से, अच्छा आधा ले लिए, अब तक तंग कर रही है, ठीक है इसको फोल्ड कर दे, पागल लड़का, खोलो इनको पूरा, खोल कर निकाल कर दो उनको, परेशानी नहीं आना चाहिए चोट उठाने में, लो चोट उठाओ बेटा, खा खा इसको फटाफट, ये भी खोल, वो दूध ले के ग्लास में डालना फटाफट, अरे 20 साल बाद खा रही है, अच्छी तरह खा ले, गुस्सा शांत कर, ठीक है किसी पर गुस्सा नहीं करना, भगवान सबको अपने आप सजा देगा, आप अपने भला सोचो, ठीक है, अरे कुंभ के जल पीने से आपकी आत्मा की शुद्धि हो जाएगी, आपका भला हो जाएगा, किसने बोल दिया कि कुंभ का जल पीने से आपको नुकसान पहुंचेगा, किस बेवकूफ ने बताया आपको, चिखाओ आप, ठीक है दूध डाल फटाफट, बाहर बैठ जाओ, किसने बोला आपको, हाँ जी कच्चा दूध, बच्चे चीनी डाल दें दूध में, मिठा डाल दें, चीनी डाल दें बेटा, आपको किसने बोला कि कुंभ का जल पीने से नुकसान होता है, अरे आपका अच्छा होगा, पवित्र हो जाओगे आप, नहीं हम आपका कोई नुकसान चाहते हैं, अरे ये देखो हम सब देवी देवता को मानते हैं, भगवान को मानते हैं, भगवान को मानने वाला किसी का नुकसान कर सकता है, हम तांत्रिक बाबा नहीं है, हम किसी का नुकसान नहीं, आपके आपका हिफाजत करना मेरी जिम्मेवारी है, जो तेरे साथ है वो कहाँ पर है, भाग गए सर, कहाँ गए, चलो कोई बात नहीं, ला बेटा दूध ला फटाफट, तो दूध पीना, बच्चे को भूख लगी है, क्या करो इसको, दूध चमचा निकाल लें, जे लो दूध पी लीजिए आप, पीजिए फटाफट, हे गुरु महाराज पला करो, ओम हरि नमः शिव सुन मटर मुझ राम,
ओम हर भजन भजन अमर जन अमर भजन भजन अमर जन भजन ओम ओम भजन अमर जन ओ डालो दूध इनको डालो डालो अच्छी तरह पिलाओ इनको लाला डालो इसमें दूध चीनी डाल दिया जाए और जैसे भी ना बस ठीक है डस्टबिन में डालो बाहर और बोलो खुश हो मेरे पर गुस्सा तो नहीं अब सच बोल हैं इनका परिवार भी छोड़ दे छोड़ दे चलो सबको परेशान कर दिया ये सब तो परेशान कर दिए कौन मेरे बाप को मेरे पापा को हाँ मेरे बाबा को अरे तेरे बाप ने जब ये आप जमीन कुएं में गिरे थे तो इन लोगों का क्या कसूर इन्हीं के दरवाजे पे गिरी थी मैं तो गिरी इनके दरवाजे इन्हीं के हिस्से में गिरी थी और जो भेजा है वो कहा है कि तुमको देखो 20 साल तक ये लोग कुछ खिलाए पिलाए नहीं है इसीलिए मार दो सबको अभी आपको हम बोल रहे हैं जो तो सुनो ध्यान से हम आपको बोल रहे हैं मेरे पीछे बोलो भगवान का नाम आपका भला हो जाएगा आपकी आत्मा को ताकत मिल जाएगी शक्ति मिल जाएगी मेरे पर भरोसा करो आप भरोसा करोगे मेरे पर नहीं भरोसा करोगे आप कैसे बच्चे हो यार बच्चे भगवान का रूप होते हैं मैं आपका बुरा कर कर मेरे को क्या मिलेगा कुछ मिलेगा मेरे को अगर मैंने आपको गिरफ्तार करना होता तो अब तक कब से कर लेता आपको कैदी बना लेता लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा आपके साथ ठीक है इनके परिवार का हिफाजत करना मेरा धर्म है आपकी रक्षा करना मेरा धर्म है मेरे पीछे बोलो ओम भगवान का नाम लीजिए बोलो ओम अरे आपको तो देवी का दर्जा चाहिए या नहीं चाहिए अच्छे बाप 3 साल का बच्चा तो स्कूल भी नहीं गया होता अभी आपको तो इनका कैसे पता चला इसका नाम क्या क्या उसका नाम है इनका नाम क्या है जिसके शरीर में बैठे हो आप महेश मिश्रा इसका नाम महेश मिश्रा है तुझे कैसे पता चला इसका नाम महेश मिश्रा है सब बुलाते हैं सब बुलाते हैं सब बुलाते हो आप सुनते रहते हो इनके बच्चों की गाड़ी में बैठता हूँ बैठ के जाते रहते हो उधर से महेश की गाड़ी में बैठ के जाता हूँ ड्यूटी इसके साथ तुम लड़की हो लड़का है कौन है तुम मैं तो लड़का हूँ मैं लड़का हूँ मेरा नाम रितेश है तेरा नाम रतीश है तो कुएं में गिरते कौन मरा था कुएं में नहीं गिरा था तुम कहाँ गिरे थे मैं तो रेलवे लाइन पे कटा था तू रेलवे लाइन पर कटा था हाँ तो लड़की जो कुएं में गिरी थी वो कौन थी वो तो मेरे साथ आई थी वो तुम्हारे साथ आई थी हाँ तो बाद जी बाद में हाँ पता नहीं मैं तो अभी आया हूँ तू अभी आया अभी आया हूँ मैं कितनी देर पहले आया तू मैं अभी आया हूँ एक थोड़ी देर पहले आया हूँ मैं अच्छा तेरा नाम रितेश अच्छा तू कैसे मरा था मेरे को तो रेलवे लाइन मार दिए थे लोग कौन लोग मार दिए थे मेरे ही रिश्तेदार मारे थे क्यों पता नहीं क्यों मैं मेला देखने गया था हाँ। तो वहाँ पे रात को जब हम वो होता है रामायण होता है तो हाँ। वो देखने गया था आ रहा था तो मेरे को छोड़ के चले गए कितनी आयु में मरे थे तुम मैं तो 18 साल की आयु में मरा था अभी कितनी आयु है तेरी आयु में 45 साल का हो गया अभी तेरी 45 साल की हाँ। है। अच्छा बड़ा माड़ा वो कौन सी जगह मरे थे आप मैं अहिल्यापुर वो मंदिर के पास रेलवे लाइन है वहीं पे क्या काम करते थे मरने से पहले आप पढ़ाई करता था उस टाइम कौन सी कक्षा में 9वीं में था 9वीं में था हाँ। आपको कुछ जल पियोगे आप इलाहाबाद कुंभ मेले का देवनगरी का जल पियो तेरी आत्मा को शांति मिल जाएगी ठीक है हाँ। आपको जल पिलाते हैं बेटा इसको पियो आपकी आत्मा को शांति मिल जाएगी गुरु महाराज आपका भला करेंगे सबका भला करेंगे कुछ बताना चाहते हो अपने बारे में नहीं पता नहीं क्यों भेजे हैं लोग मेरे को अरे कोई बात नहीं सबका भला कर देंगे पियो इसको पियो पी इसको ओम रसन ओम सन ओम सन ओम सन अब तेरी तो आत्मा को शांति मिल गया अच्छा लग रहा है ठंडा लग रहा है ठंडा लग रहा है ना अरे मजा आ गया तेरे को अच्छा लग रहा है नहीं ठंडा लग रहा है अच्छा नहीं लग रहा है ठंडा लग रहा है ठंडा लग रहा है कैसा ठंडा लग रहा है लग रहा है ठंडा ठंडा लग रहा है ठंडी ठंडी सी लग रही है ठंडी ठंडी लग रही है कोई बात नहीं अभी सही हो जाएगा ये प्रसाद में जो भी लो अब भूति लो अभी इसको सही हो जाएगी लो ओम हर नो सुनो ओम हर सुनो ओम सुनो अब कैसा लग रहा है
अच्छा लग रहा है। और तेरे साथ कौन कौन है? छह लोग आए थे हम लोग। तो छह लोग आए थे, लड़की मेरे से बात कर दी, तू मेरे से बात, चारों आदमी भी बात करो मेरे से, बात करो मेरे से, बाकी चारों आदमी बात करो मेरे से, क्या बात करना मेरे से आपने? आपकी आत्मा की शांति मिल जाएगी आपको। पता नहीं कहाँ गए सब, मेरे को अकेले छोड़ के भाग गए सब। अच्छा, डर लग रहा है मेरे पास बैठे तो? डर लगता है, आप मारोगे फिर? अरे गलती करोगे फिर मारेंगे, प्यार से बोलोगे तो नहीं मारेंगे, हम क्यों मारेंगे आपको? तो डर लगता है हमसे क्या? मारोगे आप फिर बताओ, इनका श्री छोड़ कर जाओगे अभी? मुझे तो पता ही नहीं कि मैं क्यों आया हूँ यहाँ पे, मुझे तो पता नहीं कौन उठा के कह रहा था वहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ, उसको मार दो, उसको कर दो। आज के बाद किसी को अगर मारा तो मैं शीशी में कह, छोड़ देंगे वो मेरे को, मार देंगे सब, फिर से मार देंगे सबको हम, वो मार देंगे सब मुझे, मेरे को जो जगह के भेजे हैं सब वहाँ से मार, जितने आदमी तेरे को जिताए सब मर जाएंगे, बुरी हालत हो जाएगी उनकी। मेरे पीछे बोलो ओम, मार देंगे मुझे बोलो, मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे पीछे बोलो ओम, मेरे पीछे बोलो, बोलो ओम, ओम हरि हरि, ओम ओम नारायण नारायण, ओम ओम वासुदेव वासुदेव, नमः नमः, ओम ओम गुरुदेव गुरुदेव, नमः नमः। मैं जीवात्मा, मैं जीवात्मा, स्पूर्ण साथियों समेत, स्पूर्ण साथियों समेत, पता नहीं कहाँ है सभी का नाम लो, बोलो स्पूर्ण साथियों समेत, स्पूर्ण साथी समेत, जो मेरे साथ आए थे सभी, जो मेरे साथ आए थे सभी, इसी समय आपके कैद में है, बंधन में है, समय आपके कैद में है, बंधन में है, आज के बाद, आज के बाद किसी भी जीव जंतु प्राणी को, किसी भी जीव जंतु प्राणी को हम तंग नहीं करेंगे, हम तंग नहीं करेंगे, इसका शरीर, इसका शरीर, परिवार, परिवार कुल छोड़कर, कुल छोड़कर यहाँ से चले जाएंगे, फिर मार देंगे लो मुझे, मार देंगे लो, हम उनका मार देंगे, बोल बोल चले जाएंगे, मार देंगे लो मुझे, बोलो चले जाएंगे, बोल हम क्या बोल रहे हैं, हरिद्वार जाओगे, मार देंगे लो मुझे, हमने क्या बोला, हरिद्वार जाएंगे, बोलो हरिद्वार जाएंगे, आज के बाद, आज के बाद किसी जीव जंतु प्राणी को हम तंग नहीं करेंगे, बोल, किसी जीव जंतु प्राणी को हम तंग नहीं करेंगे, हम वचनबद्ध हैं, हम वचनबद्ध, परमात्मा परमात्मा इनका भी भला कर दो, इनका भी भला, हमारा भी भला कर दो, हमारा भी भला कर दो, हम वचनबद्ध हैं, हम वचनबद्ध, हमारी आत्मा जो भटक रही है, हमारी आत्मा जो भटक रही है, इसको मुक्ति दो, मुक्ति दो, आज के बाद, आज के बाद हम किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, हम किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, हम वचनबद्ध हैं, हम वचनबद्ध हैं, जो हमको परेशान कर रहे हैं, जो हमको परेशान कर रहे हैं, उनका भी भला कर दो, उनका भी भला कर दो, हमारा भी भला कर दो, हमारा भी भला कर दो, अब वो लोग आपको परेशान नहीं करेंगे, कहाँ जाओगे आप? हरिद्वार, हरिद्वार कहाँ जाओगे आप? हरिद्वार, जितने बंदे सबको लेकर जाओ, वहां डंडा स्नान करो, आपकी आत्मा की मूर्ति है, सभी को लेकर जाओ, बार बार सबको बुला, सभी इसी समय हाजिर हो, सभी इसी समय हाजिर हो, इसका श्री छोड़ो हरिद्वार जाओ, इसका श्री छोड़ो हरिद्वार जाओ, इसका श्री छोड़ो हरिद्वार जाओ, तीन बार मत्था टेक जमीन पर, तीन बार मत्था टेक, जब चिमटे मार मार के बुरा हाल कर दूंगा मैं। ओम क्या नाम है तुम्हारा? कैसे हो आप? ठीक है सर। अब शरीर कैसा है? ठीक है। अब कोई परेशानी है? है? कोई परेशानी है आपको? नहीं। क्या हो गया, क्यों इसी तरह देख रहे हैं? मैं कैसे आगे, कब आ गए आप? है? कब आया हूँ मैं? तो मेरे को पता है कब आए हो आप, सब बताएंगे आप, ठीक है? हाँ जी सरदार जी, तुसी दसो कि आया। हाँ डॉक्टर साहब दसो की खाता है? दूध पीता, बिस्कुट खाते, की कीता है? एक पार्टी दूध पी लिए, दो पार दो मंच खावे है। हाँ और अरे भाई छिलका दिखा रहा है, देखो ना। चलो कोई बात नहीं, ये वीडियो बन रही है, इसको आप दिखाते हैं, आपको खड़े हो जाओ।